नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश प्रजापति और आप देख रहे हैं FPR Holidays Private Limited। स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं अभी लेह एयरपोर्ट पे और मेरा एक 4 Nights 5 Days का कॉर्पोरेट ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप की मैं पूरी की पूरी आपको डे वाइज टूर प्रोग्राम दिखाऊंगा, कहाँ स्टे होता है, किस टाइप के होटल्स हम यूज़ करते हैं, इसमें पूरा प्रोग्राम मैं आपको बताऊँगा। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ग्रुप अभी आने वाला है, जैसे ग्रुप आएगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और मैं ग्रुप अपना दिखाऊंगा पूरा, किस तरीके से हम वेलकम करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आप बने रहिए और कोई भी क्वेरी होता है आपको, अगर कोई भी ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप या फिर पर्सनल ग्रुप भी होता है या फिर आप FIT या दो लोग कुछ भी ट्रैवल करते हैं, आप हमें बता सकते हैं, दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वेट करते हैं और फिर मैं आगे दिखाता हूँ। वेलकम टू लद्दाख दोस्तों, हमारे ग्रुप का अराइवल हो गया है। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि हमने अपने ग्रुप की टिकट्स 2 पार्ट में बुक की थी, क्योंकि हमको एक ही फ्लाइट में 40 टिकट्स एक्सपेंसिव आ रही थी, इसलिए हमने 20% एक पार्ट में और 22nd पार्ट में बुक की थी। तो 20% अभी आ गए हैं और 20% अभी आने वाले हैं, जिसे हमारे लोकल स्टाफ होटल लेके आएंगे। तो चलो हम चलते हैं होटल और दिखाते हैं आपको कैसे स्वागत होगा हमारे ग्रुप का। दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमारे ग्रुप का परंपरागत और गर्म जोशी के साथ स्वागत हुआ, जिसमें उनको तिलक लगाया गया और वाइट स्कार्फ गले में पहनाया गया, जो कि लद्दाख का ट्रेडिशन है, जिससे हमारे गेस्ट को बहुत प्रसन्नता हुई और अति महत्वपूर्ण होने का अनुभव भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। साथ ही हमने उनको वेलकम ड्रिंक सर्व किया, जिसमें कश्मीरी कहवा, जूस, चाय और कॉफ़ी इत्यादि आइटम थे, जिसकी जो इच्छा हो वो पी सकते हैं और हमारे गेस्ट बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सो दोस्तों, चेक इन हो गया है सभी का। मैं थोड़ी सी आपको लग रहा हो थोड़ा सा हाँप रहा हूँ, हाँप इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब आप लेह आते हैं, आप नॉर्मल जगह से जब भी ले आते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लेस से, तो आपको ऑक्सीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपको एडवाइजेबल होता है कि एटलीस्ट 24 आवर्स आप रेस्ट करें, ठीक है। सो अभी गेस्ट हमारे चेक इन हो गए हैं, ठीक है। अभी हमारे इसमें 20 रूम्स हैं, 40% का ग्रुप है, चेक इन हो गए हैं। अभी टाइम हो गया 1:30 और इसके बाद में 2 बजे लंच का प्रोग्राम है, ठीक है। लंच करने के बाद में इनको हम 2 प्लेसेस घुमाएंगे, जिसमें से पहला है लेह पैलेस और दूसरा है शांति स्तूपा। बस 2 ही हमने साइट सीन आज रखे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा साइट सीन रखते हैं तो आप थक सकते हैं। ज़्यादा साइट सीन पहले दिन नहीं रखना, ट्राई करना पहले दिन कि आप कोई साइट सीन ना करें, आप सिर्फ रेस्ट करें। बट ड्यू टू सम रीजंस मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो हमें 2 साइट सीन रखने पड़े हैं, ठीक है। सो अब जैसे ही लंच होता है, लंच के बाद में साइट सीन के लिए जाएंगे लेह पैलेस। तो जैसे लेह पैलेस जाएंगे, मैं आपको वीडियो सारे दिखाऊंगा कहां कहां पे हम इनको लेके जाएंगे गेस्ट को हमारे। सो तब तक आप देखते रहिए और लंच के बाद मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अब आ गए हम लंच करने के लिए। पहले तो मैं आपको अपने व्हीकल्स दिखाता हूँ FTR Holidays Private Limited के, जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको व्हीकल्स दिखाता हूँ, देखिए FTR Holidays का। देखिए व्हीकल नंबर 1 है, मेरा नंबर उस पर फ्लैश हो रहा है। द वेदर इज़ वेरी नाइस, अभी टेम्परेचर 19 डिग्री है और गेस्ट को खाना बहुत अच्छा लगा है। हम स्पेशली गेस्ट के, अगर कुछ जैन गेस्ट होते हैं तो उनका जैन का स्पेशली ख्याल रखते हैं, उसमें मिक्स फूड लगाए। कुछ हमारे जैन गेस्ट भी हैं तो उनके लिए हमने अलग से बनवाया हुआ है। कुछ वेज हैं उनके लिए वेज है, जो नॉन वेज है उनके लिए नॉन वेज अलग से सर्व कराते हैं। हम गेस्ट का हर एक, आप इस तरह से कह सकते हैं, कस्टमाइज ख्याल रखते हैं। अगर ग्रुप में कोई ऐसे मेंबर है जिनके पास कुछ स्पेशल फूड रिक्वेस्ट होती है, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें और एजेंट्स में ये फ़र्क है। तो
तो यही लंच था, लंच के बाद में हम जाएंगे लेह पैलेस घूमने के लिए। तो तब तक मैं भी लंच कर लेता हूँ, लंच के बाद मैं फिर मिलता हूँ, लेह पैलेस के लिए चलते हैं। तब तक के लिए बाय। वहाँ गए लेह पैलेस और 25 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है जो मैं अभी लूँगा। ठीक है, लेह पैलेस। लेह पैलेस 17वीं शताब्दी के दौरान राजा सेंगे नामग्याल द्वारा बनाया गया था। इसका अग्रभाग तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पोटाला पैलेस से मिलता जुलता है। इस महल में 9 मंजिलों का निर्माण किया गया था, जिसमें से सबसे ऊपर वाले मंजिल में शाही परिवार निवास करता था और बाकी के नीचे वाले मंजिलों में अन्य कमरे जैसे कि अस्तबल, स्टोर रूम, रसोई घर वगैरह हुआ करते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में डोगरा सेना द्वारा लद्दाख पर अधिकार करने के कारण इस महल को शाही परिवार को छोड़ के जाना पड़ा था, जिससे कि शाही परिवार ने लेह पैलेस को त्याग कर स्टॉक महल की ओर पलायन कर लिया था। लेह पैलेस का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। यह महल आम यात्रियों के लिए खुला हुआ है और इस महल की छत से साफ साफ लेह और उसके चारों ओर का अद्भुत व मनोरम दृश्य नजर आता है। हेलो गाइस, और मैं आ गया हूँ अभी 7th फ्लोर पे और नीचे अलाउड नहीं है कैमरा, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ लेह पैलेस के टॉप फ्लोर पर, वहाँ से आपको लेह का शानदार नज़ारा दिखाऊंगा, जिसको देखकर मेरा भी मन और दिल वहाँ से नीचे आने का नहीं किया था। दोस्तों देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, वाह, यहाँ से पहाड़ कितने प्यारे सुंदर दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर हल्की हल्की बर्फ भी है और सूरज की किरणों के कारण वो चमक रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, जस्ट वाह दोस्तों, मतलब दिल मेरा वाह हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेह पैलेस एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फील पैलेस, यू मस्ट विजिट दिस Whenever you come to Leh। तो गाइस लेह पैलेस विजिट हो गया है हमारा और अब चलते हैं शांति स्तूपा देखने के लिए। यह हमारा ग्रुप है, आगे देखिए, सभी ने बहुत इन्जॉय किया और अब शांति स्तूपा देखने चलते हैं और बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए सब के सब। तो चल के दिखाता हूँ आपको स्तूपा से क्या व्यू आते हैं, बट यू नीड टू विजिट मस्ट बोथ द प्लेसेस, लेह पैलेस एंड शांति स्तूपा। मैं आ गया हूँ अभी शांति स्तूपा और ये अभी शांति स्तूपा के सामने का व्यू है। तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा लेह दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है यहाँ से। ठीक है, मेरा ग्रुप भी अभी ऊपर आ रहा है और मेरे गाइड भी साथ में लेके आ रहे हैं, तो मैं जस्ट आपको अभी दिखा रहा हूँ। दोस्तों यही है मेन शांति स्तूपा, मैं पहले आपको सराउंडिंग से दिखाता हूँ, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ के दिखाऊँगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से और मैं इधर से लेह का व्यू भी दिखाता हूँ आपको।
कितना ब्यूटीफुल व्यू है नीचे लेह का, देखिए। और ये आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, माउंटेन्स पर थोड़ा थोड़ा स्नो है। यह मेन स्तूपा, यहाँ पे हमको शूज रिमूव करने होंगे, इसके बाद मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको, पहले शूज रिमूव कर दूँ। मैं आ गया हूँ फर्स्ट यहाँ पे, और हमको मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखिए स्तूपा है, बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत इंटरेस्टिंग सा फील होता है। पहले तो सांसें ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक है। इधर से व्यू है, पीछे से माउंटेन देखते हैं, कितने प्यारे माउंटेन लगते हैं यहाँ से देखिए। और शांति स्तूपा, टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों के बीच स्थित शांति स्तूप का प्राचीन भवन कला का शानदार नमूना है। खूबसूरत बौद्ध भित्ति चित्र और भव्य कलाकृति के साथ सजी स्वर्ण कलाकृति इस स्तूप को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है। आसपास की शांति और खूबसूरती में रमने के लिए आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्तूप के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मन को अपार शांति मिलती है। आप स्तूप के टावर की बालकनी की ओर जा सकते हैं और आसपास के खूबसूरत दृश्यों से रूबरू हो सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये दृश्य और अपार शांति का अनुभव होता है। शांति स्तूप बनाने का विचार जापानी मोंक निचिदात्सु फुजी का था। वो भारत में बौद्ध धर्म को वापस लाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने शांति पगोड़ा की स्थापना की शुरुआत यहाँ से की थी। शांति स्तूप ने लेह को जीवांत बना दिया। शांति स्तूप जापानी और लद्दाख के बौद्ध मॉन्क्स गोम्यो नाकामुरा और कुसोक भाकुला के अधिकृत है। यह माना जाता है कि स्तूप का निर्माण 1983 से 1991 के बीच जापानी मॉन्क्स ने बुद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने को चिन्हित करने के लिए किया था। इसके निर्माण का मकसद विश्व शांति के विचार को बढ़ावा देना था। ये स्तूप जापान और लेह के बीच शांति समझौते का भी प्रतीक है। दोस्तों लेह के मुख्य शहर में स्थित होने के कारण आपको यहाँ कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सूर्य उदय और सूर्यास्त का अनुभव अविस्मरणीय है। दोस्तों रात के समय शांति स्तूप का सौंदर्य रोशनी से जगमगा उठता है, दिल ऐसे करता है कि बस इसको देखते ही रहे, इतना टिमटिमाता है लाइट की वजह से। शांति स्तूप सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। दोस्तों आप कभी भी आए और कभी भी इसको देखें रात्रि 9 बजे से पहले पहले। और आज का साइट सीन से ओवर हो जाएगा और इसके बाद में हम होटल चलेंगे और फिर आज का डे एंड हो जाएगा। डे फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। होटल पहुंच के मैं एक बार और आपको बताऊँगा और फिर कल डे सेकेंड होगा। डे सेकेंड की क्या क्या साइट सीन होंगे मैं आपको होटल जाके भी बताऊंगा। सो लेट मी रीच होटल, तब तक बाय। दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने आपको मॉर्निंग अराइवल से लेकर अब तक का सारा वीडियो मैंने आपको दिखाया है। डे फर्स्ट का कैसे हमारा अराइवल हुआ, अराइवल मैंने एयरपोर्ट का ज़्यादा फोटो आपको नहीं दिखा पाया वीडियो, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर ये फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वो आर्मी एयरपोर्ट है, इसलिए मैंने काफ़ी दूर से लिया। जस्ट एक आपको बताया कि कैसे अराइवल हुआ है हमारा, एंड इसके बाद में फिर मैं आपको लेके आया हूँ। फिर उसके बाद में गेस्ट हमारे होटल ग्रैंड ड्रैगन, इसका 5-स्टार प्रॉपर्टी है, उसमें चेक इन किया है, कैसे वार्म वेलकम हुआ है मैंने वो आपको बताया है। और इसके बाद में फिर हमने लंच किस होटल में किया था मैंने वो आपको सारा डिटेल दिया है।
ठीक है। उसके बाद में फिर हमने दो साइड सीन कवर किए यहाँ पे बेसिकली। फिर पहला साइड सीन था वो ले पैलेस था, ठीक है। ले पैलेस हमने कवर करने के बाद में उसके बाद हमने शांति स्तूपा किया है। सो ये दोनों साइड सीन हमने आज कवर किए हैं बेसिकली। और ज़्यादा साइड सीन हम कवर नहीं कर सकते थे क्योंकि एक दिन का रेस्ट देना होता है, और मैंने रेस्ट हमने इवनिंग अपना प्लान किया है सिर्फ साइड सीन के लिए, बाकी दिन हमने रेस्ट में रखा हुआ है। और आज भी हम द होल नाइट हम रेस्ट कराएंगे। इसके बाद में कल फिर मॉर्निंग हमें 9 o'clock का शेड्यूल रखा है, और कल का साइड सीन पॉइंट मैं आपको कल मॉर्निंग बताऊंगा करना होगा। अभी टाइम हुआ है 7 o'clock, 8 o'clock हमें डिनर लगाया है, और इसके बाद में फिर आज की राइड एंड हो जाएगी, और फिर कल मॉर्निंग में एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि क्या है साइड सीन हमारे।